हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 11th of October 2020। तो 11 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चंस के भी पहले नीचे आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आज के जो हिंदू की नोट्स है वो अवेलेबल करा दी गई है। वेबसाइट में जाकर के आप उनको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए कि प्लीज़ ऐड मी टू द टेलीग्राम ग्रुप, तो वो आपको ऐड कर दिया जाएगा उस नंबर से, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिंक्स के थ्रू थोड़ा काम नहीं करती है लिंक कभी कभी टेलीग्राम चैनल की, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स फॉर यू, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, अमोघ वर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स। इनमें से कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे अमोघ वर्षा? ऑप्शंस आर ए सतवाहना, बी राष्ट्रकूटा, सी पल्लवा या डी होयसाला। सेकंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंगायतिज्म। लिंगायतिज्म के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, पहला है बसवन्ना प्रोपाउंडेड द प्रोग्रेसिव डॉक्ट्राइन ऑफ लिंगायतिज्म इन द 12th century। दूसरा स्टेटमेंट है लिंगायतिज्म इज वन ऑफ द शैवा सेक्ट्स। थर्ड इज, लिंगायत कम्युनिटी पीपल आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन कर्नाटका। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मामलुक सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से लेकर दिल्ली की अपनी कैपिटल किस मामलुक सुल्तान ने ट्रांसफर की थी? ऑप्शन आर आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे। प्लीज डू ट्राई to answer these questions in the comment section and description section below, आप attempt करिएगा, ठीक है ना। इनके answers मैं आपको video के end में बता दूंगा, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज़ अगर आपको दिख रही होगी कि तमिलनाडु डिफेंड्स द मुल्ला पेरियार डैम पैनल, तो तमिलनाडु ने जो है मुल्ला पेरियार डैम पैनल को सपोर्ट किया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुल्ला पेरियार डैम है क्या एंड व्हाट इज़ द इशू बिटवीन मुल्ला पेरियार डैम, ये मुल्ला पेरियार डैम का इशू क्या है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, तभी आपको समझ में आएंगी ये क्या है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला था कि आप एक पैनल बनाएं जो कि मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में काम करेगा। ये एक दो साल पहले का जजमेंट है, 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बोला था। बट ये है क्या एक्चुअली, मुल्ला पेरियार डैम जो है ये कॉन्फ्लुएंस में आता है मुल्लयार रिवर और पेरियार रिवर के, मुल्लयार रिवर एंड पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आता है मुल्ला पेरियार डैम। ये लोकेटेड तो है कहाँ पे, केरला में, जो अगर स्टेट वाइज पार्ट का बात करें तो ये केरला में लोकेटेड है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि मुल्लयार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है, लोकेटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑपरेट्स इट फॉर इरीगेशन पावर जनरेशन नीड्स एंड वॉट इट डज इज दैट इट पेज रेंट टू केरला गवर्नमेंट, ओके। तो केरला को रेंट पे करता है तमिलनाडु, यूज करता है for irrigation power generation needs and it is located at the confluence of the Mullayar and Periyar river, simple si baat। history ki baat kare to sabse pehli cheez ki late 1800s mein, matlab 1885 ke baad isko, 1880 ke baad isko lagbhag banaya gaya tha, ओके। तो ये डैम जो है 1800 लेट 1800s में बनाया गया था, 1886 में बेसिकली इसको लीज में दिया गया था टू द ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी। 1886 में इसको लीज में दिया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी को। अब देखो मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय सबको कम, जो साउथ इंडिया का मेजर पोर्शन है केरला कर्नाटका, इनको कवर करता था तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये जो डैम बनाया गया था इट वॉज टू डाइवर्ट ईस्ट वर्ड अ पार्ट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग पेरियार रिवर। तो ये डैम बनाया गया था कि पेरियार रिवर के पानी को थोड़ा वेस्टवर्ड अपन शिफ्ट कर सके, ठीक है ना। 1970s में तमिलनाडु का ये जो तमिलनाडु और केरला के बीच में इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट था उसको रिन्यू किया गया एंड तमिलनाडु को राइट दिए गए कि आप इसके पानी का यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा एंड केरला गवर्नमेंट वुड रिसीव अ रेंट फॉर दिस। बट 1979 के बाद क्या हुआ, सेफ्टी कंसर्न्स आने लगे। 1979 में सेफ्टी कंसर्न्स आने लगे और केरला ने यह कहा कि एक माइनर अर्थक्वेक आया था जिस कारण से डैम में क्रैक आ गया है, ओके। सो केरला सेड व्हाट, केरला सेड दैट देयर हैज बीन अ माइनर अर्थक्वेक एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक देयर हैज बीन अ क्रैक इन द डैम।
तो क्रैक आ गया है डैम में, और वो डैम जो है दैट इज़ नॉट वेरी सेफ, अगर आप उसका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दैट इज़ नॉट वेरी वेरी सेफ। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने फिर ये स्टडी की कि इसका जो वाटर लेवल है इसको रिकमेंडेड 136 फीट के लेवल पे ला दिया जाए, 142 से घटा करके 136 फीट के लेवल पे ला दिया जाए। तो दिस वॉज द इशू बिटवीन द केरला एंड तमिलनाडु अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम। मैंने आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में सब कुछ बता दिया, इशू क्या है बता दिया, सेफ्टी कंसर्न्स मेजर इशूज़ हैं, याद रखिएगा मेजर इशू है वो सेफ्टी कंसर्न का। देखो लिखा भी है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिबटेड द एलिगेशंस मेड इन सुप्रीम कोर्ट दैट द सुपरवाइजरी कमिटी फॉर मुल्ला पेरियार डैम एबडिक्टेड इट्स ड्यूटीज टू वैल्यूएट द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिकली इसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया था कि जो कमेटी बनी थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना आपको कि कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कमेटी बनाई जाएगी, है ना, कमेटी तो बनी है, लेकिन इसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया जाता है कि ये जो कमेटी है अपना काम अच्छे से नहीं करती, अपनी ड्यूटीज़ को एबडिगेट करती है, और जो सेफ्टी कंसर्न्स के रिगार्डिंग उसको काम करना चाहिए वो नहीं किए जाते। सो दीज आर द एलिगेशंस विच वर देयर। लेकिन आई होप आपको मुल्ला पेरियार डैम का पूरा हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि आपको क्या किस तरीके से ये इशू हुआ, किस तरीके से ये 1970s में दोबारा रिन्यू किया गया, फिर 1979 में कंसर्न्स क्या थे। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मुल्ला पेरियार डैम का पूरा कंसेप्ट आज के बाद आपसे कोई पूछे तो ज़रूर आपसे बनना चाहिए। साइंटिस्ट्स वेलकम दीज विंग्ड इन्फिल्ट्रेटर्स। अब देखो विंग्ड इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स क्यों कहा गया है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान की एक स्पीशीज़ आई है और एक चाइना की स्पीशीज़ आई है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दो स्पीशीज़ है, इंडियन टैग मिला है पाक बटरफ्लाई को और चाइनीज़ ड्रैगन फ्लाई को। तो एक पाकिस्तान से बटरफ्लाई आई है और चाइनीज़ ड्रैगन फ्लाई आई है। तो बटरफ्लाई का नाम है स्पियालिया ज़ेब्रा, याद रखिएगा इट इज़ द बटरफ्लाई नेम स्पियालिया ज़ेब्रा। ओके, तो आपसे पूछ भी सकता है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जो कृष्णा पैपिला करके है वो भी बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है जो कि कंटेंडर है फॉर बिकमिंग द नेशनल बटरफ्लाई, है ना। तो हो सकता है कि जैसे आपको ऑप्शन में स्पियालिया ज़ेब्रा या ये भी दे दिया जाए, तो ये आपको याद रखना है कि ये डूंगारपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पाई गई है, एंड इट इज़ नोन होम कंप्राइजिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो POK वाला रीजन है उसमें ये पाया जाता है, खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पे भी ये बटरफ्लाई पाई जाती है स्पियालिया ज़ेब्रा। ओके, फिर ड्रैगन फ्लाई है एट्राटोथेमिस रिल्सी, याद रखिएगा एट्राटोथेमिस रिल्सी इज अनदर ड्रैगन फ्लाई जो कि आपका विच वॉज रिकॉर्डेड इन सदर्न अरुणाचल प्रदेश नामदाफा टाइगर रिजर्व, नामदाफा टाइगर रिजर्व में जो कि ये मिली है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ ड्रैगन फ्लाई दैट हैज़ केम फ्रॉम चाइना, ये चाइना से आई है। तो ये भी इसके बारे में भी इसीलिए इसको इन्फिल्ट्रेटर्स लिखा गया इन दोनों वेराइटीज़ को, बिकॉज वन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर वन इज़ फ्रॉम चाइना, एंड ये आपको स्पीशीज़ के नाम अगर आप याद रखेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो दिल्ली एयर क्वालिटी लाइकली टू इम्प्रूव टुडे, सफ़र सिस्टम का कहना है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। अब इम्प्रूव हो जाएगी क्या, ये तो बता दूं, सफर क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इसको बोलते हैं। अब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी कैसे है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू ये पता लगाता है क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप सबको पता होना चाहिए कि उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं, है ना, मैंने कई बार बताया है, PM2.5 हो गया, PM10 हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, PB हो गया, ओजोन हो गया, है ना, और NO2 हो गया और SO2 हो गया। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मेज़र किए जाते हैं अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। CPC भी ओवरऑल मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, लेकिन सफ़र के पास पूरा डेटा रहता है ताकि एयर क्वालिटी को वो अलग अलग पैरामीटर्स में कि मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, किस तरीके से है उसको कर सके। तो सफ़र क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। अब एक तो एयर क्वालिटी का देख लिया हमने, अब वेदर फोरकास्टिंग का भी ये काम करता है। वेदर फोरकास्टिंग का काम कैसे करता है, कलर कोडिंग के बेसिस पे 72 आवर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है, 72 आवर्स एडवांस वेदर फोरकास्टिंग करता है, ठीक है ना। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 24/7 रियल टाइम प्रोवाइड करता है, 24/7 रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोवाइड करता है, और 72 आवर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग भी प्रोवाइड करता है।
अनदर गोल क्या है, इट्स टू इशू हेल्थ एडवाइजरी. हेल्थ एडवाइजरी भी इशू करता है टू प्रिपेयर सिटीजन्स वेल इन एडवांस, ताकि सिटीजन्स जो है वो एडवांस में खुद के लिए इसके लिए प्रिपेयर रहे. सफर को रन कौन करता है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD रन करता है, ठीक है ना. और ये डेवलप किया गया था IITM पुणे द्वारा. IITM क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है, उसने इसको डेवलप किया था. तो काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दी कि IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे ने इसको डेवलप किया था. रन करता है, इट इज रन बाय इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोवाइड रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन 24/7 बेसिस. एयर क्वालिटी इंडेक्स को 24/7 बेसिस पे बताना और कलर कोडिंग के थ्रू 72 आवर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग करना. ओके, एयर क्वालिटी को कलर कोडिंग से करता है, वेदर फोरकास्टिंग 72 आवर एडवांस करता है, ठीक है ना. गोल मैंने एक और आपको बता दें कि ये सिटीजन्स को प्रिपेयर भी करता है, ताकि वो हेल्थ एडवाइजरी इशू कर दे और सिटीजन्स को प्रिपेयर कर दे कि क्या आगे होने वाला है, ठीक है ना. इसको भी आप याद रख सकते हैं. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. यू कैन मूव विद मी अगेन, यहाँ देखते जाइए. काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है आज का. श्रिंकिंग स्पेसेस फॉर विंग्ड विजिटर्स इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. तो नाम से ही क्लियर है कि जो विंग्ड विजिटर्स हैं, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनका स्पेस घटता जा रहा है. एक्चुअली ये महाराष्ट्र की बात है, मुंबई स्पेशली उसकी बात आई है, और वहाँ पे जो विंग्ड विजिटर्स के लिए स्पेस था वो श्रिंक होता जा रहा था. अब क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इसका रीज़न है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020. तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो था वो 2020 का 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया. इट इज़ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विच वॉज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन सैटरडे 10th of October. 10 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया गया. थीम थी बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड. तो याद रखिएगा थीम क्या थी, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, दिस वॉज द थीम. ओके, एंड अब इशू क्या था, देखो रिसेंट कंसर्न क्या था. कंसर्न ये था कि जो मुंबई वाला रीजन है वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो श्रंक कर गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एक्सपर्ट से हैबिटेट फॉर फ्लेमिंगोज एंड वेटलैंड बर्ड्स हैज श्रंक 20% ऑफ व्हाट इट वॉज देयर. 20% तक ही रह गया है जो पहले था, उससे इतना ज़्यादा श्रिंक कर गया. सोचो तो ये स्पेस इतना ज़्यादा श्रिंक कर गया. फ्लेमिंगोज आते थे यहाँ पे, वो स्पेस काफ़ी श्रिंक कर गया. यहाँ पे अब लिखा है, देखो लास्ट जो एरिया बचे हैं वो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी का ही बचे हैं. थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इज द लास्ट रिफ्यूज फॉर 1.5 लाख बर्ड्स. 1.5 लाख बर्ड्स के लिए लगभग लास्ट रिफ्यूज बचा है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी. तो अगर आपसे कोई पूछे कि थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पर है, या फ्लेमिंगो सेंचुरी मुंबई में कहाँ पर है, तो थाने में है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना. तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. यू कैन मूव विद मी अगेन, ठीक है ना. तो काफ़ी अच्छे से अपन डिटेल में देखते जा रहे हैं. जो पूरी नोट्स है वो अवेलेबल है आपके लिए वेबसाइट पे, तो आप वहाँ जाकर के पूरी नोट्स पढ़ भी सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. चाइना प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट US नेवी मिशन इन साउथ चाइना सी. अब US नेवी जो है एक मिशन कंडक्ट कर रही है साउथ चाइना सी में. याद रखेगा US का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है John S. McCain है. याद रखेगा, वॉट इज़ द नेम, John S. McCain. तो चाइना ने इसके अगेंस्ट डिस्पैच कर दिया है. चाइना सेड दैट इट डिस्पैच शिप्स एंड प्लेन्स टू ट्रैक द US गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर John S. McCain एज इट वॉज पासिंग नियर द चाइनीज हेड आइलैंड्स ऑफ द साउथ चाइना सी. अब देखो दो तीन आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूट के पार्ट बने हैं. एक है स्प्रैटले आइलैंड, देन पैरासेल आइलैंड एंड स्कारबोरो शोल आइलैंड. स्प्रैटले, पैरासेल एंड स्कारबोरो शोल तीन आइलैंड्स है वहाँ पे जहाँ पे डिस्प्यूट है. और ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट सिर्फ आइलैंड्स का है, डिस्प्यूट ये है कि चाइना जो है वो वियतनाम, फिलीपींस, इन सब के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले रीजन है उसको भी कैप्चर कर रखा है ना. चाइना ने बहुत सारा रीजन कैप्चर कर रखा है, और वो क्या है, इसीलिए डिस्प्यूट वियतनाम, फिलीपींस और इन सब कंट्रीज़ के साथ उसका डिस्प्यूट भी चलता है. तो याद रखिएगा कि चाइना ने यही कहा है कि US गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर John S. McCain जो था, इट वॉज पासिंग थ्रू द साउथ चाइना सी. एंड ये चीज़ चाइना को पसंद भी नहीं आई. क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर. इट सेज दैट इट इज अंडर द इंटायर सॉवरेनिटी ओवर द साउथ चाइना सी. ये वर्चुअली सॉवरेनिटी क्लेम करता है. और जो ताइवान का पार्ट है, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ के साथ उसके फ्रिक्शन चल रहे हैं. और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस भी गया था, जिसके बाद उन्होंने रूलिंग की थी इनके अगेंस्ट. लेकिन चाइना ने 2016 में चाइना ऑलरेडी इग्नोर्ड द रूलिंग्स ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल. उन्होंने आर्बिट्रेशन की जो रूलिंग थी उनको, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को इनवैलिडेट कर दिया, एंड सेड दैट इट इज़ इट्स अ सॉवरेन इशू, एंड जो साउथ चाइना सी का जो रीज़न है वो इसका है, एंड
therefore they were not ready to leave that region. ठीक है ना. अब जो अगली न्यूज है देखो वो है RBI appeals to Supreme Court to allow NPA classification. तो RBI ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि देखो अभी क्या हो रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, COVID-19 चल रहा था. सो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा था कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लासीफाई मत करो. मतलब कि अगर कोई लोन में डिफॉल्ट भी कर रहा है, फ्लाउंडर भी कर रहा है, तो भी इसको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लासीफाई ना किया जाए. बट RBI का ये कहना है कि प्लीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपील टू द कंट्रीज टॉप कोर्ट टू लेट बैंक्स क्लासीफाई लोन्स एज नॉन परफॉर्मिंग. कि वो उनको अलाउ करें कि वो बैंक्स जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासीफाई कर सकें. क्योंकि जो बैन इम्पोज किया गया है ऑन क्लासीफाइंग द एसेट्स एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट कुड ग्रेटली हार्म द नेशंस फाइनेंशियल सिस्टम. ये नेशन के फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेड दैट कि द फेलियर टू इमीडिएटली लिफ्ट एन इंटरिम स्टे ऑन द बैंक्स क्लासीफाइंग एनी लोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट वुड अंडरमाइन द सेंट्रल बैंक्स रेगुलेटरी मैंडेट. तो देखो जब क्लियर ही नहीं रहेगा कि कितना NPA है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट पे या प्रिंसिपल अमाउंट पे अब डिफॉल्ट किया है, जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तब तक कोई भी रेगुलेटरी मैंडेट जो RBI का भी है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. प्लस कोई भी स्टेप नहीं लिए जा सकते. दैट इज द रीजन वाई RBI सेइंग दैट कि प्लीज सुप्रीम कोर्ट शुड अलाउ देम टू क्लासीफाई द एसेट्स एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है ना. तो ये जो चीज़ थी इस इशू में था. अब मैं थोड़ा सा आपको NPAs के बारे में बताना चाहता हूँ, जो डिटेल्स है NPA की. देखो NPAs बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अब क्या होता है, बैंक से अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है जो चीज़, बैंक से अगर हम बात करते हैं तो बैंक के पास एक होता है एसेट कॉलम होता है, एक होता है लाइबिलिटी कॉलम. अब आपको देखो क्या लगता है बैंक्स के लिए एसेट क्या है. बैंक जो पैसा देता है लोन के रूप में वो उनके लिए एसेट है. बट बैंक जो पैसा जमा करता है, जैसे आप अगर जाके कुछ 10,000 रुपये जमा करोगे तो ये उनके लिए इनकम नहीं है, ये उनके लिए लायबिलिटी है. बिकॉज ये पैसा उनको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, प्लस इसके साथ उनके कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. लेकिन बैंक जो लोन देती है, यानी बैंक जो अलग से पैसा देती है, वो उनके लिए एक्चुअल एसेट होता है, क्योंकि उनमें उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसा उनको बाद में मिलता है, एंड दे गेट द एसेट. तो अगर ये एसेट जो है, अगर इसमें इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट मिल रही है तब तो ये एसेट है. लेकिन अगर इस एसेट पे उनको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिल रही है, देन व्हाट इट विल बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट. दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अब इसमें हम थोड़ा टाइम फ्रेम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये एकदम टेक्निकल डेफिनेशन हो जाएगी. अगर कमर्शियल लोन है तो 90 डेज तक अगर ओवरड्यू है, अगर कमर्शियल लोन्स में 90 डेज तक ओवरड्यू है आपका इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा. और अगर नॉर्मल कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर लोन में अगर 180 डेज तक ओवरड्यू है तो फिर वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा. वैसे ही एग्रीकल्चर लोन के लिए अगर शॉर्ट क्रॉप सीजन है तो 2 सीजन्स तक के लिए, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 सीजन तक के लिए. तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में 2 सीजन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में 1 सीजन तक ही देखा जाता है. अगर इतने में आपने प्रिंसिपल या जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं किया है तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा. ठीक है ना. अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जैसे कि अगर 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए कोई चीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट रही है, अगर 12 मंथ से कम पीरियड तक के लिए NPAs हैव एज्ड, देन दैट इज नोन एज द सब स्टैंडर्ड एसेट. याद रखेगा, अगर NPA 12 महीने से कम का है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे, अगर 12 महीने से ज्यादा हुआ है तो डाउटफुल एसेट कहेंगे. एंड बैंक के जब ऑडिटर्स किसी ऐसे डाउटफुल एसेट में ये बोल दें कि अब इसको राइट ऑफ, मतलब अब इसमें पैसा वापस नहीं आ सकता, तो फिर वो लॉस एसेट में आ जाता है. तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस. ओके, कुछ इम्पैक्ट भी मैंने लिख दिए हैं NPA में, ताकि आपको मेंस आंसर आइटम में, जब GS3 में अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें. तो अगर NPA बढ़ेगा, इट विल ब्रिंग अ स्केर्सिटी ऑफ फंड इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट. तो ये सिक्योरिटी मार्केट में फंड्स की कमी जाएगी, बैंक्स जो रहेंगे वो पे करने के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि पैसा वापस आने की गारंटी नहीं है. फिर इसी तरीके जो शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक होंगे वो भी पैसा लूज करेंगे, दे विल लूज द मनी देमसेल्फ, एंड इसीलिए उनको मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. बैंक्स का मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो प्राइवेट बैंक से वो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, बैंकरन हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती है. इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द रिटेल कंज्यूमर्स लाइक अस, हु विल हैव टू शेल आउट अ हायर इंटरेस्ट रेट फॉर अ लोन. तो अगर बैंक्स को लॉस होगा इस तरीके से तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे हम लोग को जो लोन लेते हैं. तो अगर हम लोग कोई लोन लेंगे तो वो हमको महंगा पड़ने लगेगा, क्योंकि बाकी लोग पेमेंट कर नहीं रहे, उनको कैसे प्रॉफिट मिलेगा. उनको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हमारा लोन का परसेंटेज वो इंक्रीज करेंगे.
ठीक है ना, और ये इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा विशेष साइकिल में डाल देता है ना। टोटल एनपीए जो है बहुत ज़्यादा राइज कर चुका है और इससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक थोड़ा खतरे में चली गई, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। एंड अगर बैंकिंग सिस्टम में ही इतना लॉस होता रहेगा तो फिर इकोनॉमी को सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और आपको जो बेसिक्स थे एनपीए की वो समझ में आ गए होंगे। ओके, आगे मूव करते न्यूज आइटम्स जिनके बारे में को देखना है। तो बायोलॉजिकल प्लांट वायरस आर्म्स रेस अनकवर्ड। अब प्लांट और वायरस की एक आर्म्स रेस है जिसको कि अनर्थ किया गया है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज आइटम। इसमें हम काफी अच्छे से एक चीज देखेंगे। तो बेसिकली प्लांट एंड वायरस ये एक दूसरे के साथ रेस में लगे रहते हैं टू आउटडू वन अनदर। याद रखिएगा, प्लांट और वायरस के बीच में भी एक आर्म्स रेस चलती रहती है। दे वॉन्ट वन वॉन्ट्स आउटडू अनदर वन। ओके, एक जो है वो दूसरे को आउटडू करना चाहता है। अब ये स्टडी की गई है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज TIFR, जो TIFR है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज TIFR, और ये बेंगलुरु बेस्ड है। इसने ये चीज डिस्कवर की है। अब इसने ये रेस किसमें डिस्कवर की है, एक सिनेड्रेला येलोवीन, ये वायरस है, याद रखिएगा सिनेड्रेला येलोवीन। अगर आपसे कोई पूछे कि सिनेड्रेला येलोवीन क्या है, सो दिस इज अ वायरस, रिमेंबर द नेम सिनेड्रेला येलोवीन वायरस। एंड ये जिस प्लांट को अटैक करता है उसका नाम क्या है, सिनेड्रेला नोडी फ्लोरा। याद रखिएगा द नेम ऑफ द प्लांट इज सिनेड्रेला नोडी फ्लोरा। सो बेसिकली सिनेड्रेला येलोवीन क्लियरिंग वायरस है एंड द प्लांट इज सिनेड्रेला नोडी फ्लोरा। एंड नाउ दिस वायरस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेगोमो वायरस फैमिली। ओके, याद रखिएगा वेगोमो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है सिनेड्रेला वीन क्लियरिंग वायरस, और सिनेड्रेला नोडी फ्लोरा प्लांट का नाम है जिसको अटैक करता है। अब देखो, इस न्यूज आइटम में बताया गया कि किस तरीके से आर्म्स रेस होती है। व्हाट इज दिस आर्म्स रेस ऑफ प्लांट एंड वायरस? तो बेसिकली फर्स्टली व्हाट हैपेंस, द वायरस अटैक्स द प्लांट, द वायरस विल अटैक द प्लांट, एंड द प्लांट का जो डिफेंस सिस्टम है दैट विल काउंटर अटैक। ओके, दैट विल स्टार्ट द काउंटर अटैक मैकेनिज्म। देन व्हाट विल हैपन इज दैट वायरस विल डेवलप अ काउंटर अटैक। ओके, तो देर विल बी अटैक, then there will be counter defense, क्या counter attack, then there will be a counter attack from the virus side, ठीक है ना, जो कि plant के defense mechanism को बिल्कुल destroy करने की कोशिश करेगा। Cinedrella yellow वी क्या होता है, when the virus attacks the plant, what happens is that when the virus attacks the plant, it produces wean clearing symptoms, तो wean clearing symptoms produce करता है, and it makes the plant actually look beautiful, ये plant और सुंदर दिखने लगता है जब उसको Cinedrella yellow wean clearing virus attack करता है तो। लेकिन प्लांट क्या सुंदर दिखना उसके लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिफिकल्टी इन मेकिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फिर वो प्लांट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं बना पाता बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड ऑल। इस कारण से ये दिक्कत होती है। सिनेड्रेला येलो वीन क्लियरिंग वायरस जब अटैक करता है नोडी फ्लोरा को, सिनेड्रेला नोडी फ्लोरा को, तो वो सुंदर तो दिखने लगता है, बट वो सुंदर दिखना उसके फेवर में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो फिर इसके बाद जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं वो नहीं बना पाता। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड न्यूज आइटम, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक न्यूज है जो ये PIB में थी, ये आपको यहां नहीं मिलेगी, है ना, हिंदू में। तो डाइवर्स डिस्कवर फ्रेंच वर्ल्ड वॉर वन सबमरीन्स ऑफ ट्यूनिशिया। तो ट्यूनिशिया के कोस्ट में फ्रेंच जो फ्रेंच एक वर्ल्ड वॉर वन का जो सबमरीन था वो डिस्कवर किया गया। उसका नाम है, याद रखिएगा, आरियान इसका नाम है, आरियान जो भी बोलना है स्पेलिंग याद रखना। ट्यूनिशियन डाइवर्स ने इसको पता किया है, फ्रेंच सबमरीन थी, इसीलिए मैंने एक मैप भी दिखाया है आपको ट्यूनिशिया का, ताकि आपको पता चले अगल बगल क्या है उसके। एंड जर्मन सबमरीन्स द्वारा संघ किया गया था 1917 में, जर्मन सबमरीन्स ने फ्रेंच आरियान को सबमर्ज किया था, वो उसके रैकेज को ढूंढा है किसने, ट्यूनिशियन डाइवर्स ने। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है ऊपर, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे इसको टच करता है, ये ट्यूनिशिया है, ये टच करता है, देखो ट्यूनिशिया भी टच करता है इसको, है ना, और यहाँ पे ये इसकी बॉर्डर है, यहाँ पे देखो लीबिया के साथ इसकी बॉर्डर है, और यहाँ पे साथ इधर अल्जीरिया के साथ इसकी बॉर्डर है। तो ये दो कंट्रीज मेनली हैं जो इनको सराउंड करती हैं, एक है अल्जीरिया और इधर साइड है लीबिया। ओके, एंड यहाँ भी आपको ट्यूनिशिया दिख रहा होगा, ट्यूनिशिया में ऊपर यहाँ पे वाटर बॉडी जो इसको टच करता है वो है मेडिटेरेनियन सी, और ये है आपका यहाँ पे है माल्टा, ये आपका इटली का लास्ट पोर्शन जहाँ पे पैलेर्मो है, है ना, और यहाँ पे इटली है, कैलिगरी, ये सब आपको, अगर आपने फुटबॉल देखा होगा तो इसमें अलग अलग क्लब्स भी हैं, इटालियन क्लब्स के नाम भी हैं ये।
तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी ट्यूनीशिया में, ये पता लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेवी जो है, इंडियन नेवी जो है वो यूएस कैरियर के साथ पासेक्स एक्सरसाइज करेगी या पासेज एक्सरसाइज करेगी। अभी पासेक्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा नेवल शिप, नेवल एयरक्राफ्ट या शिप पास कर रहा है, तो वहाँ पे जब ये एक्सरसाइज होती है तो ये पासेज या पासेक्स एक्सरसाइज होती है। जैसे अभी यूएसएस का निमिट्स करके था, निमिट्स, उसने पासेज एक्सरसाइज की थी यहाँ पे इंडिया में, है ना, अंडमान एंड निकोबार के पास। तो इस तरीके से होती रहती है। अब ये होती एक्चुअली लेमोवा के अंतर्गत, इंडिया और अमेरिका जो है उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसका नाम है लेमोवा। लेमोवा का नाम है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हुआ ये था कि इंडिया और यूएसए ने एक दूसरे के साथ बोला कि हम लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करेंगे, मतलब कि दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की कंट्री में मिलिट्री फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अगर किसी एक कंट्री, कोई एक कंट्री का शिप पास कर रहा है और उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे फ्यूल रिफ्यूलिंग करवा है या ये कुछ कैसा काम करवाना है, तो वो इंडिया से करवा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्यूलिंग से लेकर के रिप्लेनिशमेंट तक, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें लेमोवा के अंतर्गत की जा सकती है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो लॉजिस्टिक्स का एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें कवर्ड है इस लेमोवा एग्रीमेंट के अंतर्गत वो देख लेते हैं। बेसिकली चार एरियाज कवर्ड है। पहला है पोर्ट कॉल्स। पोर्ट कॉल्स मतलब कि अगर पोर्ट में, आसपास के पोर्ट में कोई ज़रूरत पड़ती है, उनको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब करा सकते हैं। देन जॉइंट एक्सरसाइजेस, देन ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये चार इसके एग्रीमेंट हैं जो कि लेमोवा के अंतर्गत कवर्ड हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसका मतलब ये है कि यूएस ट्रूप्स इंडिया में स्टेशन होंगी, नो, इट डजेंट मीन दैट कि यूएस की ट्रूप्स इंडिया में स्टेशन होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जाननी जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि यूएस की ट्रूप्स इंडिया में स्टेशन हो जाएंगे, है ना। आज का जो FAQ सेगमेंट है उसमें पूरा का पूरा जो है वो नोबेल प्राइजेस में है, तो एक बार जल्दी से इनके नाम फिर से देख लेते हैं किस किस चीज़ के लिए किसको मिला है। तो मिल्की वे सीक्रेट यानी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉजर पेनरोज, एंड्रिया घेज एंड रीनहार्ड घेंजल को मिला है, ठीक है ना। रॉजर पेनरोज, एंड्रिया घेज एंड रीनहार्ड घेंजल को मिला है। द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स वॉज अनाउंस्ड ऑन October 6 एंड वॉज शेयर्ड बाय द 3 लॉरिएट्स, ठीक है ना। हाफ वेंट टू रॉजर पेनरोज, है ना, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने ये बताया था कि जो ब्लैक होल का फॉर्मेशन है, द ब्लैक होल फॉर्मेशन, इट इज द रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ब्लैक होल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच का जो रिलेशन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था रॉजर पेनरोज ने। दूसरा जो हाफ था वो रीनहार्ड घेंजल और जो आपके ये एंड्रिया घेज ने, उन्होंने शेयर किया था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। तो सुपर गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के बीच में इन्होंने एक डिस्कवरी की थी सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। दीज वर द पीपल हु गॉट द फिजिक्स नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो उन्होंने जो नोबेल प्राइज उसको किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार के नोबेल प्राइज फिजिक्स में हमको देखने को मिली कि एंड्रिया घेज जो थी, शी वॉज ओनली द 4th वुमेन टू रिसीव द फिजिक्स नोबेल प्राइज। तो इसके अलावा जो तीन है वो कौन है, तो सबसे पहली थी मैडम क्यूरी 1903 में फॉर रेडिएशन फिनोमिना। याद रखिएगा, फॉर रेडिएशन फिनोमिना मैडम क्यूरी वॉज द फर्स्ट वन, मैरी क्यूरी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। दूसरी थी मारिया गेपर्ट मेयर, मारिया गेपर्ट मेयर 1963 फॉर न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर के लिए मारिया गेपर्ट मेयर को दिया गया था। देन डोना स्ट्रिकलैंड 2018 का अल्ट्रा शॉर्ट हाई डेंसिटी लेजर पल्सेस के लिए, इनको डोना स्ट्रिकलैंड को 2018 का दिया गया। याद रखेगा, मैडम क्यूरी 1903 1963, मारिया गेपर्ट मेयर 2018 का, डोना स्ट्रिकलैंड, एंड्रिया घेज को 2020 में। तो दीज वर इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दूसरा है नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री, जेनेटिक सीजर्स एंड राइटिंग द कोड ऑफ लाइफ। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज फॉर साइंसेज। ये इंपॉर्टेंट एक दिया गया था केमिस्ट्री के लिए, दिया गया था
इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डूडना को, इमैनुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर डूडना को दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर कैस 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द सेंचुरी कहना चाहिए क्रिस्पर कैस 9। एंड क्रिस्पर कैस 9 क्या है, तो ऑथर ने बताया क्रिस्पर कैस 9 इज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी चीज़ है जिसमें कि आप राइट कर सकते हैं, जीन्स को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर क्या है, दीज आर द पीसेज ऑफ डीएनए, दीज आर द पीसेज ऑफ डीएनए दैट बैक्टीरिया स्निप ऑफ फ्रॉम वायरसेस, जो कि बैक्टीरिया स्निप करते हैं वायरसेस से, दैट वंस अटैक्ड देम। तो अगर कभी आपके ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो आप उसका थोड़ा सा पार्ट काट करके अपने पास रख लेते हैं, तो वो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहलाता है, क्रिस्पर कहलाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब होता क्या है, जैसे इसके थोड़ा सा वर्किंग मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बता देता हूँ। क्रिस्पर आर अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियाज इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। क्रिस्पर जो है वो बैक्टीरिया के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट होता है, जो इम्यूनिटी वाला सिस्टम होता है ना उसका, बैक्टीरिया का पार्ट होता है, जो कि हेल्प करता है इन रिकॉग्नाइजिंग द वायरसेस, वायरसेस को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। तो होता क्या कि जब ये किसी वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये बैक्टीरिया कस्टमाइज्ड आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, कस्टमाइज्ड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। होता क्या है, वो आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेट करता है खुद को डीएनए, ट्रांसलेट डीएनए इनटू प्रोटीन, डीएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना। एंड इस इन्हीं में से एक एंजाइम निकल के आता है कैस नाइन, कैस नाइन एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम जो कैस नाइन का है, इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन चॉपिंग द डीएनए ऑफ द वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग देम। तो ये क्या करता है, डीएनए ऑफ द वायरस को चॉप करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एंजाइम जो एक्चुअली है वो कैस नाइन है, याद रखिएगा कैस नाइन इज द एंजाइम दैट एक्चुअली चॉप्स ऑफ द डीएनए ऑफ द वायरस एंड डिस्ट्रॉयज देम दैट, ओके। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अगला है इसमें क्वेश्चन ये है, दूसरे टूल्स कौन कौन से हैं जीन एडिटिंग के, तो अदर जीनोम एडिटिंग सिस्टम जो है, जैसे उसमें टैलेंस नाम का एक सिस्टम है, एक जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस कैन डू सिमिलर जॉब्स। कुछ यूजर जैसे ये इन्होंने और भी थे, जैसे टैलेंस और जिंक फिंगर न्यूक्लियस का नाम याद रखना जरूरी, पूछ सकता है टैलेंस और जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या है, जीन एडिटिंग के टेक्निक्स हैं। तो याद रखिएगा टैलेंस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, और लेकिन जो सबसे हेल्पफुल अभी तक साबित हुई है वो क्रिस्पर कैस 9 है। तो क्रिस्पर कैस 9 अभी कहां तक यूज़ हो चुकी है, तो क्रिस्पर कैस 9 थेरेपेटिक पर्पज़ यानी कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बीटा थैलेसेमिया में, सिकल सेल डिसीजेज में, और जो इस तरीके की बोन मैरो स्टेम सेल्स वर एडिटेड यूजिंग द क्रिस्पर टेक्निक, और कैंसर जैसी डिसीजेज में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इसका। लेकिन मिसयूज़ भी हुआ है, मिसयूज़ कैसे हुआ है कि हे जियान कुई नाम का व्यक्ति है जो चाइना में, जिसने कि जीन एडिटेड ट्विंस यानी लूला एंड नाना, इनको इन्होंने डेवलप किया था, हे जियान कुई जीन एडिटेड बेबीज़ को डेवलप किया था, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, एथिकली इनकरेक्ट था इसलिए था। इसके अलावा दिस ईयर CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसने डेवलप किया था एक कोविड 19 टेस्टिंग टेक्निक यूजिंग दिस क्रिस्पर कैस 9 जिसका नाम था फेल्यूदा, याद रखिएगा इसका नाम उन्होंने फेल्यूदा रखा था, ठीक है ना। एंड देर ऑल्सो कमर्शियल क्रिस्पर बेस्ड होम किट्स दैट अलाउ अमेटियर रिसर्चर्स टू डेवलप देयर ओन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ट्रिगरिंग अ सब कल्चर कॉल्ड बायो हैकिंग। तो एक सब कल्चर शुरू हो गया है जिसको बायो हैकिंग कहा जाता है। बायो हैकिंग क्या है, बेसिकली एक ऐसा सब कल्चर है जहाँ पे जो अमेचर रिसर्चर्स हैं वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ अपना लोकल लेवल पे करने लगते हैं और ऐसे होम बेस्ड किट्स बनाने लगते हैं, तो ये बायो हैकिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आप सबको ये तो पता ही कि जो डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस है उसके लिए इस बार का नोबेल प्राइज मेडिसिन का दिया गया है ना, और ये किसको किसको दिया गया इस बार का जो मेडिसिन का दिया गया, तो यहाँ पे देख रहा है हार्वी जे आल्टर, माइकल हुटन एंड चार्ल्स एम राइस, इनको दिया गया था हेपेटाइटिस सी के लिए। 1976 में हेपेटाइटिस बी के लिए बरूच ब्लूमबर्ग को ऑलरेडी दिया जा चुका है, ये भी याद रखेगा 1976 में बरूच ब्लूमबर्ग को दिया जा चुका है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, क्योंकि ये आपको SARS-CoV-2 के लिए थोड़ा मोटिवेट करती है, इन ऑर्डर टू गेट द अवार्ड फॉर SARS-CoV-2 लीडिंग द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट हंगर। ये जो है ये वर्ल्ड फूड प्राइस की बात करेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेगा, जिसको कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, और रिवेंज अगेंस्ट सरकमस्टेंस ये दिया गया है, नोबेल लिटरेचर नोबेल प्राइज दिया गया है, इनकी बात करेगा, ठीक है ना। तो हम ये दोनों की बात भी कर लेते हैं एक बार, जब इनकी बात यहां पर की गई है तो
एक इशू जो नहीं लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता था, किर्गिस्तान का इशू, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, किर्गिस्तान का इशू चल रहा है। थोड़ा मैं आपको अलग से डिटेल दे देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, किर्गिस्तान में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस के बाद वहाँ की जो पब्लिक थी, जो मॉब थी, उसने क्या किया है कि उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उसने वहाँ के प्रेसिडेंट को भगा दिया है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हुई है। जो प्रेसिडेंट थे सुरोनबे जीनबेकोव, याद रखिएगा सुरोनबे जीनबेकोव, उनको भगा दिया गया है। तो अब यहाँ पे बेसिकली इशू क्या है, इशू ये है कि ये कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान में जो इलेक्शंस थे वो रिग्ड इलेक्शंस थे, देवर रिग्ड इलेक्शंस, और उसमें बहुत ज़्यादा वो गलत किया गया है। तो क्या ये पहली बार किर्गिस्तान में हो रहा है? नहीं, किर्गिस्तान को कई बार सेंट्रल एशिया की एकमात्र डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। किर्गिस्तान इज ऑफन रिफर्ड एज सेंट्रल एशियाज ओनली डेमोक्रेसी। सेंट्रल एशिया में आपकी पांच कंट्री आती है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। दीज आर द फाइव कंट्रीज दैट बेसिकली कम इन द सेंट्रल एशिया रीजन, और उनकी एकमात्र डेमोक्रेसी किर्गिस्तान को माना जाता है। 2005 में भी और 2010 में भी वहाँ के सिटिंग प्रेसिडेंट को फोर्स कर दिया गया था आउट ऑफ ऑफिस, एंड ये कहलाते हैं ट्यूलिप एंड मेलन रेवोल्यूशंस। याद रखिएगा, दीज वर नोन एज द ट्यूलिप एंड मेलन रेवोल्यूशंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्यूलिप और मेलन रेवोल्यूशंस कहाँ से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं, तो बेसिकली दे आर रिलेटेड फ्रॉम किर्गिस्तान, वो किर्गिस्तान से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 2005 और 2010 में किर्गिस्तान के साथ ऑलरेडी हो चुका है कि वहाँ के सिटिंग प्रेसिडेंट को हटा दिया गया हो। अभी कौन इंचार्ज बन गया है किर्गिस्तान में? रिग्ड इलेक्शंस के कारण पब्लिक ने वहाँ पे इनको हटा दिया, और अभी पब्लिक ने, प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल जो है बिल्डिंग का वो अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है ना। किर्गिस्तान की लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो किर्गिस्तान की लोकेशन है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये ऊपर कजाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ चाइना के साथ देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ताजिकिस्तान के साथ कर रहा है, और इधर उज्बेकिस्तान के साथ भी कर रहा है। बैकयार्ड ऑफ रशिया भी कहलाता है, ये बैकयार्ड ऑफ रशिया भी कहलाता है। किर्गिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ रशिया एंड चाइना। मॉस्को इसको अपना बैकयार्ड भी कहता है ना। एंड फॉर चाइना ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लिंक प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सेंट्रल एशिया रीजन के साथ। तो इसलिए किर्गिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो इस बार की लिटरेचर द स्वीडिश एकेडमी है, इसने प्राइज़ दिया था लुइस ग्लिक को, द लुइस ग्लिक, इसको ग्लिक पढ़ते हैं, मैंने इसको देख लिया है, लुइस ग्लिक बोलते हैं, ग्लक नहीं बोलते, लुइस ग्लिक को दिया गया है। एंड दिस वॉज फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट वॉज ऑस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस यूनिवर्सल। उनको अपने जो पोइटिक उनकी वॉइस थी और इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका जो उस पूरे उसके लिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का दिया गया है। उसके पहले उनको पुलिट्जर प्राइज 1993 में दिया जा चुका है फॉर द वाइल्ड आयरिस के लिए दिया गया है। नेशनल बुक अवार्ड 2014 में दिया जा चुका है फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट के लिए, एंड पोएट लॉरिएट का अवार्ड उसको 2003 में दिया जा चुका है उनको, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की, विच इज़ लीडिंग द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट वर्ल्ड हंगर। वर्ल्ड हंगर के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसकी बात कर लेते हैं। ये प्राइज़ इनको दिया गया है, क्यों दिया गया? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो है उसने ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर एंड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे पीस के लिए भी काम किया इसने, और जो एक वर्ड है उसको हंगर फ्री वर्ड बनाने के लिए काफ़ी बड़ा इन्होंने वो किया। तो नोबेल पीस प्राइज के रिगार्डिंग अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपने विल में बोला था कि उसमें नोबेल पीस प्राइज के बारे में भी उन्होंने कहा था। 19 बार है जबकि नोबेल पीस प्राइज़ को नहीं दिया गया है, जैसे 14 से 16 में नहीं दिया गया, 18, 39 से 43 में नहीं दिया गया, ये कुछ साल हैं जब नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, ठीक है ना। और क्यों दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये प्राइज़? तो 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय ड्वाइट आइजनहावर। याद रखिएगा, आइजनहावर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ड्वाइट आइजनहावर ने इसको स्टार्ट किया था 1961 में, और उन्होंने ये सोचा था कि यूएन बेस्ड एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि वर्ल्ड से हंगर को ख़त्म करने का काम करे। यूएन वेस्ट ये मैकेनिज्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार पांच फोटोग्राफ है जो द हिंदू से मैंने ली है, क्यों ली है देखो। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो पहला प्रोजेक्ट था वो 1962 में आया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फर्स्ट इमरजेंसी ऑपरेशन था जो कि आया था एंड सितंबर 1962 में, जब ईरान में एक अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है ना। और इथियोपिया का फेमीन जो आया था, वर्स्ट फेमीन ऑफ 100 ईयर्स, ये 1983 में, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसमें भी काम किया, इथियोपिया 1983 में।
फिर 1989 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान चालू किया था, ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप इन द हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री का लार्जेस्ट एयर ड्रॉप कहलाता है ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है। 2019 में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम में 2019 में असिस्टेंस प्रोवाइड किया क्लोज टू 100 मिलियन पीपल इन 88 कंट्रीज, लगभग 100 मिलियन पीपल को 88 कंट्रीज में इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की। दिस वर लार्जेस्ट ऑपरेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान 1989 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये कुछ फोटोग्राफ्स जो मैंने ली थी ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। सो आज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स एक बार देख लेते हैं, बाकी अब न्यूज़ आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। ओके सो दिस वॉज अ वेरी गुड एनालिसिस, काफ़ी चीज़ें थी आज जो हमने डिस्कस की। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन आज। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था अमोक वर्षा राष्ट्रकूट का आंसर है, दूसरा लिंगायतिज्म का 1, 2, 3 तीनों सही आंसर है, और तीसरा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो था कि किस मामलुक सुल्तान ने शिफ्ट की थी कैपिटल लाहौर से दिल्ली, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। सो दीज वर द ऑप्शंस आंसर्स फॉर यू टुडे, दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जरूर शेयर करिए वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।